What's up guys, welcome back to the YouTube channel, the Savage Singh Vlogs. And भाई साहब दिक्कत हो चुकी है, माना बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, लेकिन भाई जैसे मैं तैयार हुआ वीडियो बनाने के लिए, देख रहे हो बादल भाई, बारिश स्टार्ट हो चुकी है. आई डोंट नो भाई कैमरे में पता चल रहा है नहीं चल रहा, बट बहुत मतलब बारिश स्टार्ट हो चुकी है. एंड आज हमें जाना है भाई साइकिल ठीक कराने के लिए. अब पूछोगे भाई कि यार साइकिल तो अभी नहीं ली थी, साइकिल में क्या हुआ? भाई साइकिल में आ गई थोड़ी सी दिक्कत, साइकिल में काफ़ी दिक्कत आ रही है इस टाइम. एंड मैं बताता हूँ, मतलब वीडियो चलने तो पूरा साथ साथ बताएंगे. ओके, तो भाई फाइनली घर से निकल गया मैं. भाई पता नहीं जल्दी जल्दी मैं व्लॉग करना भूल ही गया, मेरे को बस में बैठा था, फिर याद आया कि भाई व्लॉग भी बनाना है आज, तो क्या हो गया भाई, इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया, बिल्कुल समझ लो आदत से छूट गई है. एंड भाई यहाँ पर ना एक फ़ायदा कि अगर साइकिल आपको लेकर जानी है ना, तो बस में भी लेकर जा सकते हो, बस में मतलब आगे लगा कर. एक बहुत भाई बहुत सेक्सी सीन है यहाँ पर बस में लेकर जाने का. भाई बाइक शॉप तो आ गए हैं, बढ़िया है भाई, ये फ्ली मार्केट में ऐसे लग रहा है, पता नहीं कोई सरोजनी नगर मार्केट में आ गए हूँ वापस मैं दिल्ली में. हर जगह भाई इतना मतलब हर चीज़ है भाई यहाँ पे. मैं पहली बार आया इसी जगह, बिकॉज भाई लॉकडाउन अभी अभी खुला, तो सारी चीज़ें अभी अभी खुलने शुरू हुई हैं. जो सारी फ्ली मार्केट है ना ये पीछे तो है, ये सब बंद पड़ा था, अभी बस थोड़े टाइम पहले खुलना शुरू हुआ है सब. बढ़िया है भाई. ओके, तो भाई चेन लग गई है वापस. भाई ये जो मार्केट है ना ये है बढ़िया, मतलब ये देखो लेदर जैकेट भाई अच्छी लग रही है, लेदर जैकेट. अभी पैसा नहीं, बाद में देखेंगे किसी को. भाई साहब ज्वेलरी शॉप्स, नाइस यार. क्या तो भाई चेन तो ठीक करा ली एंड साथ में एक और चीज ठीक करा ली, एंड साथ में भाई $5 भी बचा लिए मैंने. अभी बताता हूँ पूरी स्टोरी, बताता हूँ यार अंदर बैठ कर ढंग से ब्लॉग हो नहीं पाता, आवाज़ ना गूंज रही है यहाँ पे. बाहर चलते हैं आराम से बैठते हैं, बात करते हैं आराम से. ओके, तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि साइकिल तो मैंने ले ली थी, मेरे को लगी अच्छी, बट द थिंग इज कि नुकसान मेरा बहुत हो रहा है भाई जब से मैंने साइकिल ली है. अब भाई पता नहीं इस चीज़ को कैसे बताऊँ, ये मेरी नादानी है, मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा. बट द थिंग इज़ कि जब से मैंने बाइक लिया ना मैं खुश भी नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब बाइक की वजह से खुश नहीं हूँ, बाइक कह लो साइकिल कह लो जो भी कह लो यार. बिकॉज द थिंग इज़ कि मैं कोई साइकिल ढूंढ रहा था सस्ती टिकाऊ साइकिल आ जाए, मैं घर से काम चला जाऊँ, एंड किसी वीक अगर मेरे आवर्स ना पूरे हो रहे तो मैं ऊबर कर पाऊँ थोड़ा, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं. बट हुआ क्या कि जब मैंने साइकिल ली उस वीक मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था, तो जैसे मैंने साइकिल ली, साइकिल लेके मैं चला गया भाई ऊबर करने टोरंटो, एंड वहाँ भाई मेरे को बहुत तगड़ी तगड़ी प्रॉब्लम्स. सबसे पहले प्रॉब्लम भाई इसकी सीट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मेरा भाई मतलब क्या बताऊँ हालत ख़राब हो गई थी. मैंने 4 घंटे करा था, मेरी हालत ख़राब हो गई, लिटरली कह रहा हूँ हालत ख़राब हो गई भाई मेरी. उसके बाद भाई साहब दिक्कत आई कि इसकी चेन दिक्कत करने लग गई. तो उस दिन जब मैं वापस आ रहा था, कहते हैं चलो एक दिन तो ठीक ठाक निकल गया, जैसे तैसे करके मैंने कर लिया, थकारा घर आया. अगले दिन मैंने भाई कैनेडियन टायर से जाके नई सीट ली, मैंने कहा चलो यार साइकिल तो चलानी है, कम से कम ढंग की सीट होनी चाहिए. तो मैंने भाई नई सीट ली $40 की, $40-45 की, मैंने कहा भाई कम से कम अपना बम्बास्टिक बचा रहे, बाकी तो चलो कोई नहीं यार कमा लेंगे पैसे की क्या दिक्कत है भाई साहब, चलो सीट की दिक्कत होगी ठीक. फिर अगले दिन क्या हुआ, मैं आराम से आ रहा, हवा चल रहा है, हवा अच्छी चल रही है भाई, मज़ा आ गया, थोड़ी हवा चल रही है बढ़िया. तो अगले दिन भाई मैं दोबारा गया, एक दिन बाद मैं दोबारा गया ऊबर करने के लिए, मैंने कहा चलो भाई आज करके देखते हैं, चलो भाई सीट की प्रॉब्लम तो होगी सॉल्व. बट हुआ क्या कि भाई जब मैं इस साइकिल को चला रहा था ना, मतलब छोटे गियर पे बहुत ज़्यादा तेज़, तो क्या हुआ भैया जी कि इसकी जो चेन है ना वो स्लिप करने लग गई. मतलब ऐसे बंदा बहुत जान लगा रहा है तो भाई चेन स्लिप करने लग जाती है, टूटती नहीं है उतरती नहीं, स्लिप करने लग गई. मैंने कहा चलो कोई दिक्कत होगी चेक करा लेंगे. और फिर क्या हुआ भाई, उसी दिन इसके पैडल जो होते हैं ना, ये जो पैडल होते हैं इसमें हम चलाते हैं, वो मुड़ने लग गए. भाई साहब मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैंने कहा भाई इतने प्यार से साइकिल ली थी, नई साइकिल सोच के ली थी मैंने. जिन लोगों ने मेरी साइकिल लेने वाली वीडियो देखी है आपने देखा होगा भाई, पूरी सील पैक साइकिल लेकर आया था, सब कुछ बढ़िया करके आया था. बट भाई क्या कह सकते हैं, अब कभी कभार डिसीजन उल्टे सीधे हो जाते हैं, मेरे साथ ये वाला डिसीजन हो गया भाई थोड़ा उल्टा. चलो कोई नहीं, इसका कुछ ना कुछ हल निकाल ही देंगे जैसे तैसे करके. अब आज मैंने भाई क्या हुआ, अच्छा स्टोरी बीच में रहेगी हमारी. तो भाई क्या हुआ, जब तक मैं घर पहुंचा तब तक इस चीज़ की भाई साइकिल की
जो चेन थी वो टूट गई, मतलब पूरी तरह टूट के उतर गई। तो मैं समझ गया, मैंने कहा चलो यार चेन में दिक्कत थी, कोई नहीं चेन बदल लेंगे, कितने की 20-30 डॉलर की आ जाएगी, कोई नहीं। तो भाई आज मैं आया फाइनली, बड़े थे मतलब हफ्ता हो गया, हफ्ते साइकिल घर खड़ी थी, मैं छोटे मोटे मतलब अपने काम कर रहा था, बस पे जा रहा था जैसे तैसे करके। एंड भाई साहब इसकी आज हमने चेन लगवाई है एंड साथ में पेडल भी बदलवा लिया। मैंने कहा चलो यार पैसे लगने हैं, लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पेडल भी बदलवा लिए मैंने भाई, चेन भी लगा लिए नहीं। अब भाई देखते हैं, ठीक चलती है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर हम इसको ओके टाटा बाय बाय कर देंगे, बेच देंगे। आई होप भाई अब ठीक चल रहा है, अभी तक तो जितना मैं 500-600 मीटर चला के आया हूँ ओके ओके चली है, थोड़ी सी अभी भी चेन स्लिप करी है एक बार, भाई मेरे को समझ नहीं आया चक्कर क्या है इसका, अब देखते हैं। चलो कोई नहीं, इससे पहले वाली आपने वीडियो देख ली होगी शायद से कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या क्या बढ़िया चल रहा है, क्या क्या ओके रिपोर्ट चल रहा है। कल मेरे साथ भाई एक और काम उल्टा हो गया, वो भाई मेरा जो प्रेस्टो कार्ड होता है ना बस वाला, वो गया खो। भाई साहब इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना क्या बताऊँ, मैंने बस उसको एक दिन पहले रिचार्ज कराया था $40 का और कार्ड खो गया। अब चलो भाई इतना सुनने में आया कि कार्ड भी वापस, कार्ड नया ले सकते हो तो चलो ले ही सकते हो पता ही था, बट जो बैलेंस था तुम्हारे पुराने कार्ड का वो वापस आ जाएगा। मैंने कहा चलो भाई इस बात से थोड़ी खुशी है कि चलो पैसे बच गए, $40 वेस्ट नहीं हुए, बाकी देखते हैं यार। चलो भाई आज का काम है कि प्रेस्टो कार्ड लेने जाना है एंड थोड़ा इसको चला के देखते हैं कि कैसे चलती है और क्या नहीं। चलो यार देखो जो साइकिल है ना यार, ये देखने में तो अच्छी लगती है बट अब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतना इसने मेरा नुकसान करा दिया अच्छा खासा, अब इसको रखें या बेच दें। मेरे को जल्दी से भाई बताओ इसको क्या करना चाहिए, इसको ठीक करा के रख ले थोड़े महीने या फिर भाई इसको ओके टाटा बाय बाय कर दे जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे को भाई, मतलब जल्दी से कमेंट वमेंट कर दो कि भाई रख ले साइकिल या ना रख, या इसको हम ओके टाटा बाय बाय कर देंगे 2-3 दिन में। अभी मेरे को तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, चलते हैं चलो प्रेस्टो कार्ड लेने चलते हैं, थोड़ा तो अपना नुकसान रिकवर करें। तो भाई साहब शॉपर ट्रक पार्ट पे आया था मैंने, भाई प्रेस्टो तो ले लिया नया, अब ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रेस्टो को अपने अकाउंट पे डालना है, उसके बाद इसका नंबर वंबर डालना है, तो आपको जो बैलेंस है पुराने वाले कार्ड का वो यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर वो नहीं होता तो फिर इनको भाई इन्होंने यहाँ नंबर लिख के दिया है, इस नंबर पर कॉल करना है जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इस पर, भाई इस नंबर पर कॉल करना है एंड फिर उनको बोलना है भाई हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो, हमारा कार्ड हो गया चोरी। एंड भाई साहब मैं ये सोच के आया था ये जो जगह है मेरे घर से पास होएगी, मैंने मैप पे थोड़ा अंदाज़ा लगाया था बट पता लगा घर ये जगह मेरे घर से डबल दूर है, अब यहाँ से मेरा घर है 4.5 किलोमीटर और मुझे साइकिल चला के जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं भाई, इतना तो चला ही सकते हैं, ये भी टेस्ट हो जाएगा भाई इसको रखना सही है या नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई वैसे मेरे पास कोई गोप्रो वोप्रो तो है नहीं जो मैं आपको लगा के रिकॉर्ड करके दिखा पाऊँ, सीधा घर चलते हैं, घर पहुँच के आपसे बात करते हैं। ओके तो भाई साहब फाइनली आ चुके हैं घर वापस एंड देखो भाई साइकिल चला तो लिया, साइकिल ओके रिपोर्ट हो गई, पेडल बढ़िया हो गए हैं, चेन बढ़िया हो गई है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है साइकिल में, एक आधी छोटी दिक्कत जो मेरे को समझ आ गई जो मेरे को लगता है मैं खुद ठीक कर सकता हूँ एंड कुछ नहीं है, बस जो गियर होता है उसकी वायर थोड़ी ढीली है, उस चक्कर में थोड़ा गियर ढंग से नहीं डल रहा, बस यही दिक्कत लग रही है मेरे को साइकिल में और मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही। आई थिंक ये गलती सारी मेरी है बिकॉज मैंने अनअसेंबल्ड साइकिल ली थी एंड जब मैंने उसको असेंबल करा तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाया, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। बाकी आई डोंट नो भाई, आई होप ये चीज़ थोड़ी ठीक हो जाए। अभी कल परसों मेरे को जॉब पे जाना है तो मैं 1-2 दिन जाकर देखूंगा जॉब पे साइकिल पर एंड देखेंगे भाई कि क्या चक्कर बनता है कि भाई साइकिल ठीक चल पा रही है नहीं चल पा रही। अगर चल पा रही होगी तो 1-2 महीने रखेंगे भाई, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, लेकिन अगर नहीं चल पा रही होगी तो भाई इस साइकिल को ओके टाटा बाय बाय कर देंगे हम एंड थोड़े टाइम के लिए भाई प्रेस्टो से काम चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर नई साइकिल लेनी है या इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी है या क्या लेना है। बाकी भाई अभी के लिए भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मेरे को पता भाई बहुत छोटी और बोरिंग सी वीडियो होगी बट आई एम रियली सॉरी बट अच्छा ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में ये भी बताना था कि खर्चा क्या क्या हुआ, तो साइकिल मैंने ली थी $200 की, आज मैंने जो चेन खरीदी थी $20 की चेन आई थी, चेन इंस्टॉल करने के लिए $20 एंड जो बाइक के पेडल हैं उसके लिए $20, तो $60 तो भाई यही हो गए। उसके बाद भाई मैंने इसकी एक सीट ली थी $40 की सीट हो गई, ये हो गए $100 एंड उसके बाद भाई मैंने लिया था एक मोबाइल माउंट वो था $20 का, तो भाई साहब $120 तो मोटा मोटा खर्चा यहीं पर हो चुका है अभी एंड आई होप भाई इससे ज़्यादा खर्चा ना हो कुछ एंड मैं बिकॉज मैं नहीं चाहता भाई बहुत मोटा खर्चा कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी,
मेरा अभी इस मंथ बिल्कुल खर्चा करने का मन नहीं था, बट स्टिल भाई मैंने कर दिया था बिकॉज आई थॉट कि वो साइकिल है मेरे काफ़ी सारे पैसे बचाएगी। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है अभी हालत, मेरे को लग नहीं रहा पैसे बचने वाले, मुझे लग रहा बल्कि मेरे ज़्यादा ही पैसे लगने वाले हैं इस पर अगर मैं इसको रखता हूँ। बट स्टिल भाई आप बताओ कि इस साइकिल को ठीक करा के रखने में फ़ायदा ज़्यादा है या फिर इसको ओके टाटा बाय बाय करके कोई नई ले लें या फिर बिना साइकिल के काम चलाएं, तो भाई कमेंट करके बताना बिकॉज मैं तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ी हेल्प आप लोगों की चाहिए होगी। एंड अपने भाई को फॉलो कर लो भाई इंस्टाग्राम पे, अच्छी अच्छी फोटोज़ मैं डालता रहता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा हम लोग नायगरा गए थे, वैसी फ़ोटोज़ देखने के लिए आप भाई जा सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड जो पिछली बार वाली वीडियो है जो आप इससे पहले देखोगे वो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं, ओके बाय, लव यू।